इंडिया की टॉप 10 बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज जिसने करोड़ों का नुकसान किया। नंबर 10 83 मूवी का बजट 270 करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर 193 करोड़ का कलेक्शन किया और इस मूवी को 77 करोड़ का लॉस हुआ था। नंबर 9 सत्यमेव जयते 2 इसका बजट था 95 करोड़, कलेक्शन किया 17 करोड़ का और टोटल लॉस हुआ 77 करोड़ का। नंबर 8 अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी इस मूवी से मेकर्स को टोटल 86 करोड़ का लॉस हुआ था। नंबर 7 शमशेरा इस मूवी का बजट 150 करोड़ था और मूवी को पूरे 86 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। नंबर 6 सर्कस रणवीर सिंह की इस फिल्म से मेकर्स को टोटल 89 करोड़ का हुआ था। नंबर 5 कंगना रनौत की थलाइवी फिल्म का टोटल बजट 100 करोड़, कलेक्शन 10 करोड़ और लॉस पूरे 90 करोड़ का। नंबर 4 धाकड़ ये आज तक की सबसे बड़ी फ्लॉप मूवी है जिसने सिर्फ 3 करोड़ कमाए वो भी 91 करोड़ का नुकसान उठा के। नंबर 3 बच्चन पांडे इस मूवी का बजट 165 करोड़ था और मेकर्स को 91 करोड़ का लॉस हुआ था। नंबर 2 राधे श्याम 350 करोड़ के बिग बजट में बनी इस फिल्म से मेकर्स को पूरे 136 करोड़ का लॉस हुआ था। नंबर 1 सम्राट पृथ्वीराज जिसको सबसे ज्यादा यानी कि 210 करोड़ का लॉस उठाना पड़ा था। वैसे इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है कमेंट करके बताएं।